नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल भटजी पर। आप सभी को आज हम बताएंगे कि एक कुंटल में कितना किलो होता है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास जो व्यूअर्स हैं इन सभी के लिए बेहतरीन वीडियोस है दोस्तों, बेसिक वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं कि दोस्तों आप सभी को बताया, बहुत सारे जगह आपने सुना होगा कि एक कुंटल कितना होता है। ठीक है, कितना जो है कितना किलो होता है। ठीक है, मोटा मोटा आप सभी को पता होगा कि कुंटल है, टन है। ठीक है, आपने किलो देखा होगा, ग्राम देखा होगा, केजी सुना होगा। ठीक है, लेकिन कुंटल शब्द भी सुना होगा, लेकिन कितना किलो होता है ये आप सभी को नहीं पता है। चलिए, अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियोज़ को लाइक करेंगे। और हम यहाँ देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर हमने दिखाया क्विंटल, हमारे पास है कितना, एक कुंटल। और एक कुंटल यहाँ कितना आ गया, 100 किलोग्राम। एक कुंटल मतलब 100 किलोग्राम। ठीक है, 100 किलो। अगर बाई चांस हम 2 कुंटल की बात करें तो 200 किलो। अगर हम बात करें कि 3 कुंटल, तो 3 कुंटल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कितना, 300 किलो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से करेंगे। अगर 100 कुंटल की बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हमने 100 लिखा, आपको यहीं कैलकुलेट करके दिखा देते हैं हम लोग, और आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर 100। ठीक है, और यहाँ आ गया कितना, कितना आ गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पर 10,000 किलोग्राम हो गया। 100 कुंटल का मतलब 10,000 किलो। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को लगातार मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक करना, सभी ग्रुप में शेयर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ पर आप सभी टन भी देख सकते हैं, टन भी आ जाएगा, कितना टन हो गया यहाँ पर कुंटल में, टन देखते हैं, 9 टन के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू।